Student, this is your English reader book, and in today class we will read the poem of chapter number 9, the crocodile. Crocodile poem ko hum read karenge. This poem is written by poet Roald Dahl. Roald Dahl जो है इस जो poem है आपकी इसके poet हैं. और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको रिसाइट करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. नो एनिमल इज हाफ एज वाइल्ड एज क्रोकी वॉक द क्रोकोडाइल. ऑन सैटरडेज ही लाइक्स टू क्रंच सिक्स जूसी चिल्ड्रन फॉर लंच एंड ही स्पेशली इंजॉयज Just three of each, three girls, three boys. He smeared the boys to make them hot with mustard from the mustard pot. But mustard doesn't go with girls. It tastes all wrong with plates and curls. With them, what cause extremely well. It butterscotch and caramel. It's such a super marvelous treat when boys are hot and girls are sweet. At least that's Crocky's point of view. He ought to know he's had a few that all for now it's time for bed. Lie down and rest your sleepy head. Now look at the page number 65. Listen, what is that I hear? Clumping softly up the stairs. Go lock the door and fetch my gun. Go on, child, hurry, quickly run. No, stop. Stand back, he coming in. Oh, look that greasy, greeny skin. The shining teeth, the greedy smile. It's Crocky Walk, the crocodile. Student, इसमें parents हैं, father हैं जो अपने जो child को son को सुला रहे हैं और उसको ये एक क्रोकोडाइल की स्टोरी सुना रहे हैं. लेकिन नो एनिमल इज हाफ अ वाइल्ड, मतलब कि कोई भी एनिमल ऐसा दुष्ट नहीं होगा जैसे जितना कि ये क्रॉकी वॉक क्रोकोडाइल है, ठीक है? इसका क्रोकोडाइल का नेम जो है वो क्रॉकी वॉक है और सैटरडे को वो एक लंच लेता है और वो लंच में सिक्स जूसी चिल्ड्रन जो है वो उनको लेता है और वो क्रंची जो लंच होता है उसको पसंद करता है और क्रंची लंच में सिक्स जूसी चिल्ड्रन लेता है, सिक्स बच्चों का लंच लेता है वो. एंड वो स्पेशली इसको इंजॉय भी करता है और वो कोई पार्शियलिटी नहीं करता है. थ्री गर्ल्स होते हैं, थ्री बॉयज होते हैं, यानी उसमें कोई भी ये नहीं है कि बॉय कम और गर्ल्स ज़्यादा या गर्ल्स कम और बॉयज ज़्यादा. तो थ्री गर्ल्स होते हैं, थ्री बॉयज होते हैं, यानी सिक्स जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें थ्री गर्ल्स और थ्री बॉयज. ही स्मैश द बॉयज, स्मैश मींस होता है कि वो फैलाता है. जो बॉयज होते हैं उन पे गर्म जो मस्टर्ड होता है उसको फैलाता है मस्टर्ड पॉट से लेकर के. लेकिन गर्ल्स को जब वो लंच में लेता है तो उस पर मस्टर्ड स्प्रेड नहीं करता है वो, क्योंकि उनके जो बाल हैं वो कर्ली बाल होते हैं तो उसको वो वैसे ही खाना पसंद करता है. और विद देम व्हाट गोज एक्सट्रीमली वेल, मतलब कि वो उसको उसके लिए जो ये बच्चों का जो लंच है वो जैसे कि बटर स्कॉच और कैरेमल होता है उसी तरह का इसके लिए वो लंच है, ठीक है? और इसमें ये उसके लिए एक सुपर मार्वलस ट्रीट होती है, यानी बहुत ही अच्छी ट्रीट है उसके लिए. बॉयज आर हॉट और गर्ल्स आर स्वीट, उसके लिए बॉयज बहुत बहुत हॉट होते हैं और गर्ल्स स्वीट होती हैं. आगे ये जो ये सब जो है वो क्रॉकी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी क्रॉकी इस तरह से सोच रखता है. ही ऑट टू नो ही हैड फ्यू दैट ऑल ऑफ, मतलब कि वो
उनको कुछ सुनाई देता है। इसमें जो फादर सुनाई दे रहे हैं वो बताते हैं कि क्रॉकी का पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर थोड़ी देर में एक साउंड आता है, अब वो कहते हैं कि अब सोने का टाइम हो गया है, लाइज डाउन एंड रेस्ट योर स्लीपी हेड, अब तुम लेट जाओ और सो जाओ। लेकिन थोड़ी देर में एक साउंड होता है, तो उसमें फादर कहते हैं, चुप करने को बोलते हैं और कहते हैं ध्यान से सुनो, कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ स्टेयर पर चढ़ने के लिए धीरे धीरे से साउंड आ रहा है, और कहते हैं कि दरवाजे को जा करके बंद करना है और मेरी गन लेकर के आओ, गो ऑन चाइल्ड हरी, मतलब बच्चा जल्दी जल्दी जाता है तेजी से दौड़ता हुआ, और उसे बोलते हैं तेजी से जाओ, दौड़ते हुए जाओ, मेरी गन लेके आओ, मैं गेट को बंद करता हूँ, नो स्टॉप स्टैंड बैक। और फिर वो कहते हैं नहीं रुक जाओ और मेरे पीछे खड़े हो जाओ, ही कमिंग इन, वो अंदर आ गया है, वो लुक दैट ग्रीसी ग्रीनी स्किन, मतलब कि वो ग्रीसी और हरे रंग के जो स्किन वाला जो है, इसे देखो, द साइनिंग टीथ, उसका टीथ साइन कर रहा है, और उसकी ग्रीडी स्माइल है, यानी लालची, मतलब उसके स्माइल में लालच है, इट्स क्रॉकी वॉक, और ये कौन है, ये क्रॉकी वॉक है, क्रोकोडाइल। बस बच्चों इतना ही है इस पोम के अंदर, तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है और इसको रिसाइट करना है, ठीक है। आगे आता है आपका न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स में ये वर्ड मीनिंग वर्ड है और ये इसके मीनिंग है। क्रंच ईट विद अ नॉइजी, मतलब कि जब हम खाते हैं तो उसमें कुछ साउंड होता है चबाते वक्त, तो उसको कहते हैं क्रंच। जैसे मंच, यहाँ पे लिखा है मंच खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आवाज होता है, साउंड होता है, तो उसको हम क्रंच कहते हैं। आगे आता है ग्लम्पिंग, ग्लम्पिंग मीन्स होता है मूविंग इन अ क्लम्सी और नॉइजी वे, मतलब कि ऐसे चलना जैसे कि उसमें कुछ साउंड हो, आवाज हो। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब कि जैसा आप सोचते हैं, ठीक है, उसके बारे में, उसके विचार से पॉइंट ऑफ व्यू वही होता है, यानी सोचने का तरीका। स्माइल स्प्रेड्स, यानी फैलाना। वाइल विक्ट, विक्ट मीन्स दुष्ट या गंदा कह देंगे, बैड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं इसे। तो स्टूडेंट इसकी बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।